साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मुस्कान अजमानी और प्राइम टीवी के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। यूपी में विभागों के प्रेजेंटेशन को और तेज किया जा रहा है, जहां आज 3 विभागों का प्रेजेंटेशन होगा। वह मुख्यमंत्री योगी सभी विभागों की प्रेजेंटेशन लेंगे। दोपहर 12 बजे एनेक्सी भवन में धर्मार्थ कार्य, पर्यटन, संस्कृति और भाषा का प्रेजेंटेशन देखेंगे। फिर शाम 5:30 बजे एनेक्सी भवन में ग्राम्य विकास, पंचायती राज और राजस्व तथा ग्रामीण अभियंत्र के साथ नमामि गंगे से संबंधित विभागों पर एक्शन प्लान पेश किया जाएगा। तो बीते दिनों योगी द्वारा तमाम जो कई ऐसे विभाग हैं, इनका प्रेजेंटेशन लिया गया और लगातार ये प्रेजेंटेशनों का दौर जारी है, जिसमें आगामी 100 दिनों के लिए सीएम योगी जो सभी विभागों की प्रेजेंटेशन लेंगे कि आखिर उन्होंने 100 दिनों के लिए का क्या रोड मैप तैयार कर लिया है। तो आज 3 विभागों का प्रेजेंटेशन होगा और सीएम योगी द्वारा इस प्रेजेंटेशन को देखा जाएगा। दोपहर 12 बजे पहले एनेक्सी भवन में धर्मार्थ कार्य, पर्यटन, संस्कृति और भाषा का प्रेजेंटेशन देखेंगे। फिर शाम 5:30 बजे एनेक्सी भवन में ग्राम्य विकास, पंचायती राज और राजस्व, ग्रामीण अभियंत्र के साथ साथ नमामि गंगे से संबंधित विभागों पर एक्शन प्लान पेश किया जाएगा। तो 100 दिनों की रणनीति लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ अब तैयार हो चुके हैं। यही वजह है कि लगातार प्रेजेंटेशनों का दौर जारी है। यही इसी कड़ी में आज 3 विभागों का प्रेजेंटेशन होगा। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, आज कुल 3 विभागों का प्रेजेंटेशन होगा, इन 3 विभागों में कौन कौन से विभाग शामिल है जिनका आज प्रेजेंटेशन होगा? शपथ लेने के बाद योगी आदित्यनाथ जो घोषणा पत्र में विकास के वादे किए थे, उसी के को पूरा करने के लिए एक अनोखा प्रयोग कर रहे हैं, जिसमें सभी विभागों के द्वारा 100 दिन के काम की खाका तैयार करके और उसपे काम करने को लेकर एक समीक्षा के तौर पे प्रेजेंटेशन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें, आज ग्राम विकास एवं पंचायती राज एवं आपको बताए कि नमामि गंगे जो तमाम गंगा की सफाई से लेकर और तमाम जल संबंधित विभाग जो है उनके प्रेजेंटेशन होने हैं। इस प्रेजेंटेशन में 100 दिन के अंदर जो उनके विभाग की तरफ से काम किया जाएगा उस पर चर्चा की जाएगी, साथ ही साथ किस तरह का काम किया जाएगा, 100 दिन के अंदर क्या मॉडल तैयार किया जाएगा, इसको लेकर वो मुख्यमंत्री के समक्ष आज प्रेजेंटेशन के तौर पर विकास के खाका को प्रस्तुत करेंगे और उस पर आने वाले 100 दिनों में काम किया जाएगा। वहीं आपको बता दें कि आज ग्राम विकास एवं पंचायती राज मंत्री उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का ये विभाग है, तो इस विभाग को कहीं ना कहीं देखे तो गांव की जुड़ी तमाम समस्याओं को कुछ नए ऐसे प्रयोग किए जा सकते हैं जिससे गांव को और वह विकासशील दे सके। जैसे लूडो के तहत तमाम गांव में इंटरलॉकिंग सड़कें, नाली एवं तमाम चीजें बनाई जाती हैं, तो लूडो का बजट भी बढ़ाया जा सकता है। साथ ही साथ जिस गांव में कच्ची सड़कें अभी भी हैं उस पे देखा माना ये जा रहा है कि उनको इंटरलॉकिंग और तमाम सड़कों के बनाकर जो ग्राम पंचायत स्तर पे एवं आपके पालिका स्तर या पंचायत स्तर पे बनते हैं उसको एक बजट देकर अब गांव को सृजन के लिए हर एक प्रयास सरकार करेगी। साथ ही साथ आपको बता दें कि नमामि गंगे के तहत गंगा की सफाई एवं गोमती, यमुना एवं तमाम जो नदियां प्रदेश में है उनकी सफाई को लेकर एक खाका तैयार किया गया है, इसको आज मुख्यमंत्री के समक्ष पेश करके नदियों को दूषित होने से बचाने के साथ साथ नदी का जो पानी है उसको गुणवत्ता में सुधार को लेकर ऐसे प्रेजेंटेशन में ऐसे कुछ मैप, रोड मैप तैयार किए गएंगे जिसके लिए आज 100 दिनों के अंदर उस पर काम किया जाएगा। और प्रेजेंटेशन के दौरान आपको बताया कि एक विभाग की तरफ से 30 मिनट में प्रेजेंटेशन चलेगा और ये प्रेजेंटेशन आज एनेक्सी बिल्डिंग में होगा। और आपको बताया कि इन प्रेजेंटेशन के बाद उस पर काम करना होगा और जो विभाग के सचिव एवं प्रमुख सचिव होंगे या मंत्री होंगे उनके मौजूदगी में मुख्यमंत्री के समक्ष ये प्रेजेंटेशन प्रस्तुत होगा। जी मुस्कान, पूरे प्रदेश के लिए योगी सरकार द्वारा तैयार किया जा रहा है, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो यानी ये कहा जाए कि सीएम योगी शहरों के साथ साथ ग्रामीणों का भी अब सुंदरीकरण करने में लग गए हैं। जी बेशक, हम ये कह सकते हैं कि जहाँ एक तरफ शहरों का विकास हो रहा है, शहरों में
अत्याधुनिक सुविधाएं, चाहे बात की जाए तो इलेक्ट्रिक बस या ऐसी तमाम सुविधाएं लाई जा रही हैं। उसी क्रम में अब गाँव में भी जो ग्राम पंचायत के बजट होते हैं उसको बढ़ा के और कुछ ऐसे काम गाँव में किए जा सकते हैं। जैसा आपने देखा कि पिछली सरकार में डूडो के तहत तमाम ऐसे गाँव के सड़कें बनाई गई जो सदियों से नहीं बनी थी, तो उसी क्रम में अब एक बार फिर डूडो का बजट से लेकर और तमाम ऐसे ग्राम पंचायत के बजट हैं, जैसे बात की जाए मनरेगा से लेकर, अगर गाँव की विकास की बात करें तो उनके सृजन को लेकर विकास के खाकों को तैयार किया गया है। उसी क्रम में उसको प्रेजेंट करने के बाद योगी सरकार के तरफ से तो मुहर लगेगी और 100 दिन के अंदर उस पर काम करके और गाँव को भी विकास की श्रेणी में लाने की प्रयास की जा रही है। आपको बताया कि अगर खासकर गाँव में बात करें तो दूर दराज गाँव में अभी भी सड़कें कहीं ना कहीं दुरुस्त स्थिति में नहीं है, उसको लेकर कहीं ना कहीं पिछली सरकार में गड्ढा मुक्त योजना की बात की गई थी पीडब्ल्यूडी के तरफ से। तो अगर देखें तो ग्राम विकास के अंदर में आने वाले ऐसी तमाम सड़कें जो जहां गड्ढे हैं या सड़कें बहुत ही दुर्गम स्थिति में है तो उसको सुधारने के लिए प्रयास किया जा सकता है। साथ ही आपको बताया कि जो नालियां पट जाती है गंदगी से उसके लिए भी व्यवस्था किया जाएगा और वाटर जो उनका पानी का एक बेहतर निकास होता है उसके लिए व्यवस्था बनाई जा सकती है। ग्राम पंचायतों के अंदर में अगर देखें तो तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जो अभी भी कहीं बेहतर ढंग से नहीं पहुंच पाई हैं, तो गांव को मॉडर्न बनाने के लिए कि ग्रामीणों में सड़कों में सुधार की बहुत जरूरत है। लेकिन अगर बात राजधानी लखनऊ की ही करी जाए तो राजधानी लखनऊ में भी सड़कों का हाल अभी भी बेहाल देखने को मिल रहा है। जी बेशक, अगर देखा जाए तो ग्रामीण लखनऊ से समीप ग्राम सभाएं हैं जो गांव है वहां की भी सड़कों का अगर देखा जाए तो कहीं वो बेहतर स्थिति में नहीं है, तो कहीं ना कहीं राजधानी की लखनऊ से समीप गांव के ये हाल है तो दूर दराज के क्या होंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार को आंख खोल कर देखना चाहिए और गाँव की सड़कों के साथ साथ अगर सबसे पहले लखनऊ की समीप सड़कों को सही करे और इसके बाद दूर दराज गाँव पे भी ध्यान दे कि उनके भी जो गांव की सड़कें हैं उसको सुचारू ढंग से चल सके और वहां के भी जो लोग हैं वो भी काफी आशा अपेक्षाएं लगाकर बैठे हैं सरकार से कि उनका मानना ये है कि योगी सरकार 2.0 में गांव के विकास के लिए कुछ ऐसे योजनाएं लॉन्च की जा सकती है, लाई जा सकते हैं जिससे गांव का विकास बेहतर ढंग से हो पाए। नमस्कार विभांशु, कोरोना काल में हमने गंगा में बहती हुई लाशों को देखा, ये बात किसी से छिपी नहीं है, लेकिन योगी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल में नमामि गंगा प्रोजेक्ट को लेकर एक्टिव नजर आ रही है, तो क्या लगता है कि इस बार नमामि गंगे प्रोजेक्ट के एक्टिव होने से क्या कुछ अलग देखने को मिलेगा, नदियों की स्थिति में कितना सुधार आएगा? जी मुस्कान, आप देखें तो उत्तराखंड से निकलने के बाद गंगा की नदी जो है वो कानपुर औद्योगिक शहर जब पहुंचती है तो वहां दूषित हो जाती है, हरिद्वार से आगे वो कहीं ना कहीं निर्मल होती है गंगा, लेकिन जब वो कानपुर आती है तो उनके गंगा के जो क्वालिटी है जो वाटर की अगर क्वालिटी देखे तो वो कहीं ना कहीं पानी की गुणवत्ता खराब हो जाती है। उसको लेकर कुछ ऐसे भी नियम बनाए जा सकते हैं कि फैक्ट्रियों को पानी को ना छोड़ा जाए, साथ ही साथ जो पानी के गुणवत्ता है उसको सुधार करने के लिए हर एक प्रयास करेंगे, क्योंकि पानी दूषित होने की वजह से तमाम जहां से गंगा गुजरती है उन सब जगहों पे ऐसी कुछ बीमारियां देखने को मिली कि सरकार उस पे आंख खोल कर और उस पे काम कर रही है और आशा अपेक्षा लगाई हुई है जनता की गंगा की सफाई के लिए नमामि गंगे प्रोजेक्ट को एक बेहतर ढंग से चलाया जाए जिससे आने वाले समय में गंगा साफ और निर्मल हो सके। साथ ही आपने देखा कि तमाम ऐसे जगहों पे चाहे बात की जाए तो कानपुर के बाद लखनऊ में अगर आए तो गंगा को अगर देखें तो गाजीपुर समेत तमाम जगहों पे गई हैं और वहीं अगर बात की जाए तो आप गोमती की हालत को देख रही हैं कि जल कुंभियों से पट चुका है, ठीक वैसे ही गंगा का हाल है। तो कहीं ना कहीं नदी की जो मुख्य धार थी उसपे वापस लौटाने के लिए नमामि गंगे को जो फाइल तैयार किया गया तो कहीं ना कहीं उस फाइल में देखे तो गंगा की सफाई का एक जब कुछ पैतरा अधिकारी और कर्मचारी दिए होंगे कि जिससे साफ किया जा सके और गंगा को निर्मल बनाया जा सके। जी धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सीएम योगी आदित्यनाथ द्वारा आज कुल 3 विभागों का प्रेजेंटेशन होगा, तो लगातार सीएम योगी जो है वो अपने दूसरे कार्यकाल में प्रदेश की छवि बदलने के लिए, प्रदेश का सौंदर्यकरण करने के लिए लगातार प्रेजेंटेशनों का दौर चल रहा है। तमाम जो कई विभाग है इनका बीते दिनों प्रेजेंटेशन किया जा चुका है, वहीं आज
कुल 3 विभागों का और प्रेजेंटेशन होना है। यूपी की राजधानी लखनऊ में 69,000 शिक्षक भर्ती मामला बीते काफी समय से गरमाया हुआ है। वही अभ्यर्थियों में भर्ती को लेकर काफी आक्रोश भी है, जिसको लेकर आज शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी फिर एक बार प्रदर्शन करेंगे, जहां छात्र आज बेसिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी के आवास का घेराव करेंगे। दरअसल छात्र 4 महीने से नियुक्ति का इंतजार कर रहे हैं। आपको बता दें कि शिक्षकों की भर्ती में धांधली का आरोप लगाया गया है। यह आरोप आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों ने लगाया है। तो आज एक बार फिर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में अभ्यर्थियों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। इस दौरान 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी जो बेसिक शिक्षा विभाग यानी कि गुलाब देवी के आवास का घेराव करने के साथ ही अपनी मांगों को उनके सामने रखने की पूरी कोशिश करेंगे। इस खबर पर तमाम जानकारी के लिए लखनऊ से हमारे संवाददाता विभांशु जुड़ चुके हैं। विभांशु, ये मामला काफी लंबे समय से चला आ रहा है, लेकिन अभी तक आखिर इस मामले पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि लगातार अभ्यर्थियों द्वारा प्रदेश की राजधानी में प्रदर्शन किया जा रहा है। जी मुस्कान, आपको बता दें कि पिछली सरकार में 69,000 शिक्षक भर्ती मामला सबसे तूल पे रहा। चाहे बात की जाए विपक्ष, तो कहीं ना कहीं 69,000 शिक्षकों को लेकर विपक्ष भी हमलावर हुआ। आपने देखा कि विगत कई महीनों के प्रदर्शन के बाद भी उन्हें आश्वासन के अलावा कुछ नहीं दिया गया। चाहे बात की जाए तो पूर्व सरकार के पूर्व मंत्री सतीश द्विवेदी की तरफ से तमाम आश्वासन दिए गए और छात्रों को डिलीगेट को बुलाकर और नियुक्ति पत्र भी कुछ बांटे गए और नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई। मगर आपको बताना चाहेंगे कि छात्रों का साफ तौर पर आरोप ये है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में वो सीधे ये चाहते हैं कि हमारी नियुक्ति की जाए। उसी क्रम में कुछ छात्र आरक्षण घोटाले को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिनकी संख्या लगभग 22,000 थी। वहीं लगभग 18,000 के करीब तृतीय संशोधन के छात्र जो परीक्षाएं हुई थी उसमें रिजल्ट को लेकर उसमें त्रुटि कुछ हुई थी, जिसको संशोधन को लेकर उसको अपग्रेडेशन को लेकर रिजल्ट को प्रदर्शन कर रहे थे। उसी क्रम में जो विगत कई महीनों प्रदर्शन करने के बावजूद उनके न्याय नहीं मिला, जिसको लेकर वो मुख्यमंत्री से लेकर तमाम जगहों पर जाके प्रदर्शन किए और लाठीचार्ज हुए, तमाम अस्थाई जेल के रूप में उन्हें इको गार्डन तमाम प्रदर्शनों के बाद ले जाया करता था। लेकिन के देखा जाए तो योगी सरकार के पहले कार्यकाल में जो बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी थे, उन्होंने कहा था कि इन छात्रों को नियुक्ति पत्र दिया जाएगा। तो आखिर इन सब चीजों में देरी क्यों हो रही है, उनको नियुक्ति पत्र क्यों नहीं दिया जा रहा है? जी मुस्कान, बेशक आप देख सकती है कि पिछली सरकार में जो बेसिक शिक्षा मंत्री थे सतीश द्विवेदी, उनकी तरफ से आश्वासन एवं नियुक्ति पत्र दिए जाने की बात कही गई थी, मगर वो ठीक चुनाव से पहले और चुनाव खत्म होते ही 69,000 शिक्षक भर्ती मामला बिल्कुल ठंडा सा हो गया। और जिसके बाद वो विपक्ष के नेता अखिलेश यादव से मिले और उनसे उनकी तरफ से कहा गया कि सरकार में अगर हम आते हैं तो आपके समस्याओं का समाधान करेंगे। उसी क्रम में आपको बताया कि सरकार दूसरी बार रिपीट होने के बाद फिर से ये छात्र एक बार फिर लखनऊ की सड़कों पे अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन हेतु आज से फिर प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज वो ज्ञापन पत्र एवं बेसिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी को ज्ञापन पत्र एवं आज उनके घर के बाहर घेराव करेंगे और उनको जगाने का प्रयास करेंगे कि हमारी जो मांगे थी वो पिछली सरकार में कुछ हद तक मान ली गई थी और नियुक्ति पत्र देने की बात कही गई थी कुछ छात्रों को। तो विभांशु, क्या लगता है आपको कि एक बार फिर जो ये प्रदर्शन कर रहे अभ्यर्थी है, ये लखनऊ में अपना डेरा डाल लेंगे? जी बेशक अगर ये आने वाला समय बताएगा मुस्कान, मगर आपने पिछली सरकार में देखा कि ये छात्र अस्थाई बेड़ा बनाकर और तमाम दूर दराज इलाकों से उत्तर प्रदेश की 75 जिलों से ये आकर एकत्रित होकर और अक्रमबद्ध तरीके से ये प्रदर्शन करते थे। चाहे बात की जाए चुनाव के दौरान ये रैलियों के अंदर अपने पोस्टर को लहराते थे, जिसके बाद उन्हें हटाया जाता था और प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए पुलिस के एक देखे तो उनको काफी मशक्कत करनी पड़ती थी, क्योंकि खास करके बात करें तो जेंडर इक्वेलिटी की तो इस प्रदर्शन में जहां महिलाएं की संख्या की बात करें तो जितनी महिलाएं थी उतनी पुरुष भी थी। कहीं ना कहीं इसमें मामले को लेकर मुख्यमंत्री भी अपने तरफ से तमाम ऐसे मीटिंग किए, छात्रों को डिलीगेट को बुलाकर उन्हें उनकी समस्याओं को समझा। क्या फायदा ऐसी मीटिंग का जब छात्रों को एक बार फिर से सड़क पर उतर कर अपने अधिकारों के लिए प्रदर्शन करना पड़ रहा है? जी बेशक एक बार फिर छात्र प्रदर्शन करने आ रहे हैं, आज उनके प्रदर्शन का पहला दिन होगा इस सरकार में, तो कहीं ना कहीं सरकार इसको इस विषय पे सोचे और उसको सीरियस लेते हुए अति विशिष्ट समझते हुए
और उसे उन छात्रों को न्याय दिला पाए और जो सही हो उसको नियुक्ति पत्र दे सके। वहीं आपको बताएं कि इस 69,000 शिक्षक भर्ती में तमाम ऐसे बयान भी आए कि ये विपक्ष की चाल है, विपक्ष के चढ़ाने के बाद ये आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो चुनाव भी खत्म हो चुका है, अब सरकार की अभी नई नवेली दूसरी सरकार है, तो कहीं ना कहीं इन छात्रों को आशा अपेक्षा ये लगी हुई है कि हमें नियुक्ति पत्र मिल जाए। और आने वाले समय में अब ये देखने को मिलेगा कि इन छात्रों का क्या भविष्य होता है। और वहीं आज ये गुलाब देवी से मिलते हैं तो वहां हम मौजूद रहेंगे और देखेंगे कि आखिर किस तरह का प्रदर्शन होता है, गुलाब देवी की तरफ से क्या कहा जाता है। मुस्कान, लेकिन विभांशु ये तो रही 69,000 शिक्षक भर्ती की बात जहां अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जब भी कभी सरकारी वेबसाइट पे कोई नई वैकेंसी आती है, अगर वैकेंसी भले ही 100 आए लेकिन आवेदन पत्र लाखों में आते हैं, तो ये बात छुपाई नहीं जा सकती कि प्रदेश में अभी भी बेरोजगारी की संख्या बहुत ज्यादा है। जहां सीएम योगी एक तरफ ये वादे करते हैं कि उनकी पहली सरकार में रोजगार दिए गए, लेकिन जब भी कोई वैकेंसीज आती है तो उसमें लाखों आवेदन दिए जाते हैं। जी बेशक, आपको बताया कि अगर एक वैकेंसी निकलती है तो आपको कुछ दिन पहले की बात बताना चाहेंगे कि विगत कुछ सालों पहले, लगभग 3-4 साल पहले, एक सफाई कर्मी की वॉन्ट आई जिसमें पीएचडी से लेकर इंटर पास तक के आवेदन आए। तो कहीं ना कहीं देखे तो एक जो बेरोजगारी का दर है उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं अपनी चरम सीमा पे है, जिसको आप देख सकती हैं कि एक वैकेंसी आती है और 100 सीट होती है, वहां हजारों की संख्या में छात्र आवेदन करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर देखे तो इन छात्रों को जो स्वरोजगार के अवसर प्रदान करते थे तो उसके कड़ी में भी सरकार को काम करना चाहिए। अगर सरकार रोजगार नहीं दे सकती, अब इतनी सीटें नहीं है, तो स्वरोजगार के अवसर प्रदान करके इस 24 करोड़ की जनसंख्या वाले उत्तर प्रदेश को, जो खास तौर पे अगर देखें तो सबसे बड़ा देश का ये प्रदेश है, तो छात्र भी यहाँ नौजवान भी कहीं ज्यादा ही होंगे। तो वैसे ही अगर देखें तो अगर सरकारी नौकरियों की संख्या कम है तो सरकार की तरफ से स्कूल एजुकेशन को जो चलाया जा रहा है उसको मजबूत किया जाए कि छात्र कौशल विकास के तहत अब कहीं काम कर सके। साथ ही साथ जो स्वरोजगार की बात की गई थी सरकार की तरफ से कि तमाम स्वरोजगार के अवसर प्रदान किए गए, तो पिछली सरकार में ऐसे कई वादे किए गए थे जो जमीन पे नहीं उतर गए। तो इस बार जो छात्र है उनकी आशा अपेक्षाएं, जो तत्कालीन संकल्प पत्र को तैयार किया गया, जो लोगों के द्वारा बनाया गया, लोगों के सुझाव के बाद बना है, तो कहीं ना कहीं देखे तो इन छात्रों की आशा अपेक्षाएं बढ़ गई है कि तमाम ऐसे जो लोक लुभावने वादे किए गए हैं, अगर 69,000 को हटा के बोले तो उत्तर प्रदेश का युवा कहीं ना कहीं सरकार से आशा अपेक्षा लगाकर बैठा है कि उनके नौकरी के सृजन को लेकर सरकार कुछ ना कुछ ऐसा करेगी कि उनके भविष्य बेहतर हो सके। जी मुस्कान, धन्यवाद विभांशु इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज प्रदेश की राजधानी में एक बार फिर 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थी प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे। तो बीते कई समय, लंबे समय से यह प्रदर्शन किया जा रहा था, जहां पिछली सरकार में यानी कि योगी सरकार के पहले कार्यकाल में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने जहां एक तरफ अभ्यर्थियों को यह भरोसा दिला दिया था कि उन्हें नियुक्ति पत्र मिल जाएगा, लेकिन जैसे ही योगी सरकार की दूसरी कार्यकाल की शुरुआत हुई तो जो पहले कार्यकाल के वादे थे वो धरे होते हुए नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि एक बार फिर राजधानी की सड़कों पर छात्रों को उतर कर प्रदर्शन करना पड़ रहा है, यानी छात्र छात्राएं प्रदर्शन करने पर मजबूर है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए प्राइम टीवी। कुछ बाल पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।